नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। 20 साल की लड़की की तस्वीर दिखाकर 45 साल की महिला से कराई जा रही थी जबरन शादी, धोती छोड़कर भागा युवक। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल की लड़की की तस्वीर दिखाकर जबरन एक 45 साल की महिला से शादी करने की कोशिश की गई। युवक और उसके घर वालों का कहना है कि महिला पहले से दो बच्चों की माँ है। मामले के खुलासे के बाद दूल्हे ने मंडप से मौका देखकर फरार हो गया। दूल्हे ने कहा कि भागने के क्रम में उसकी पहनी हुई धोती भी खुल गई। इसके बाद भी जबरन उसकी शादी कराने का प्रयास किया गया है। शादी के मंडप से दूल्हा सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और लड़की के साथ ही शादी कराने वाले दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। दूल्हे का नाम शत्रुघ्न सिंह बताया जा रहा है। दूल्हे का आरोप है कि दलाल ने उसे 20 साल की एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी। लड़की की तस्वीर देखने के बाद परिवार वालों के साथ जाकर उसने लड़की से मुलाकात भी की थी। युवक का कहना है कि लड़की से मुलाकात के बाद उसने शादी के लिए हाँ कहा था और शगुन में नारियल और कुछ पैसे भी माँ से दिलवाए थे। युवक का कहना है कि शादी मंडप पर दुल्हन ने घूंघट कर रखा था, लेकिन माँ को कुछ गड़बड़ लगा। युवक की माँ ने जब घूंघट उठाकर देखा तो लड़के के साथ ही घर वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हे का कहना है कि शादी से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। उसका कहना है कि उसके परिवार वालों को भी जबरदस्ती डराया धमकाया गया, लेकिन मौका मिलते ही वहां से फरार हो गया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया।